नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, बेल्टॉन के माध्यम से जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, वो प्रोग्रामर थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सूचना यहाँ दी है कि आप प्रोग्रामर अगर बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में मैन पावर एजेंसी के माध्यम से यह कंप्यूटर तकनीकी कर्मी प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। बेल्टॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हर एक विभाग में इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। अभी डाटा इंटरप्रेटर का नहीं है, अभी वर्तमान में प्रोग्रामर का आया हुआ है। इसमें CVT आधारित जो परीक्षा में सफल होने के उपरांत जो है चयन योग्य सूची के निगम की मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है और मार्ग के अनुसार सूची में एजेंसी द्वारा डेवलपमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। वर्तमान में बेल्टॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची तैयार किया जाता है। अतः इच्छुक योग जो अभ्यर्थी हैं जो अर्हता पूरी करते हैं, आवश्यक सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित योग्यता जो है BTEC CS होना चाहिए, BE CS होना चाहिए, MCA होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग CS, MSc IT होना चाहिए। 19/1/2022 से निम्नतम 21 वे, अधिकतम 60 वर्ष। सभी योजनाओं का आधार सरकार का आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित किया जाएगा और निर्धारित सेवा और शर्तों के साथ अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकरनामा करेंगे। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्टॉन से अध्याचना करने वाले कार्यालयों में इसकी आवश्यकता अनुसार उसके निर्देश अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोग्रामर के रजिस्ट्रेशन के इच्छुक जो है बेल्टॉन के वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, 25/7/2023 से उपलब्ध लिंक के माध्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के रूप में 1000 रुपये दे होगा। केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% सुविधा अधिक के लिए 250 रुपये दे होगा। परीक्षा शुल्क अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित जो चार्ज भी देना होगा। ऑनलाइन भुगतान क्रम बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। आवेदक जो है जो बताया जा रहा है कि फोटो हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक और नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा। दक्षता परीक्षा इग्नू के MCA के सिलेबस आधार पर होगी और चयन हेतु कट ऑफ मार्क निर्धारित किया जाएगा। बिहार का स्थायी निवासी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित 10% की, दिव्यांग भर्तियों को 15% की अधिमानता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जो 27/1/2023 के दिनांक 2/6/2023 के विरोध में पूर्व में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरे भुगतान के साथ संपन्न कर ली, उसकी सूचना विरोध आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2006-23 के विरुद्ध जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन किए हैं वो अब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, कोई उनको आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि 14/8/2023 सोमवार तक चालू रहेगा। जो है सूचना आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जोर से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।